नमस्कार, वेलकम टू फिल्मटेनमेंट। दोस्तों, किसी फिल्म या टीवी शो में जितनी अहमियत उस फिल्म के नायक की होती है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है खलनायक। क्योंकि जब तक खलनायक खूंखार और दिल दहलाने वाला नहीं होता है, तब तक नायक भी अपने काम में उभर कर सामने नहीं आ पाता है। और अगर बात किसी सुपर हीरो वाले शो की हो, तो विलेन का काम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही एक्टर की बात करने वाले हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया में खलनायकी को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के सबसे पॉपुलर टीवी शो शक्तिमान में द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल बनकर बच्चों को डराने वाले ललित परिमू की। इस चरित्र को टीवी का सबसे खूंखार विलन कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। तो आज के वीडियो में हम उनके जीवन और शक्तिमान में डॉक्टर जयकाल बनने की कहानी जानेंगे। ललित परिमू का जन्म 28 सितंबर 1964 को कश्मीर में हुआ था। ललित छात्र जीवन से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। उनकी शुरुआती शिक्षा कश्मीर के बंटवारा में केंद्रीय विद्यालय से हुई और 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए ललित दिल्ली आ गए। उन्होंने 1985 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्टर बनेंगे। ललित अपने परिवार और रिलेटिव्स की तरह डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन 11वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान जब उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने का शौक हुआ, तो उन्हें लगने लगा कि वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह भी मिल ही जाती है, और उन्हें पता चल गया कि एक्टिंग के लिए पहले थिएटर जरूरी है। इसलिए 12वीं की पढ़ाई के बाद ललित घर वालों को IAS परीक्षा की तैयारी करने की बात कहकर दिल्ली आ गए, और फिर स्नातक की पढ़ाई के बाद दिल्ली के शालीमार थिएटर के साथ जुड़ गए और नाटक में अभिनय करना शुरू कर दिया। उनका पहला थिएटर प्ले था द एक्सपेंशन एंड द रूल। इसके बाद ललित जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD के लोगों से मिलने जुलने लगे, लेकिन इन सब में काफी खर्च आ जाता था और घर से भेजे गए रुपए कम पड़ जाने लगे। ऐसी समस्या में ललित जी ने ट्यूशन पढ़ाकर खर्च को मैनेज करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें रेडियो पर प्लेस करने के मौके मिलने लगे और उनकी आर्थिक समस्या दूर होने लगी। ये वो दौर था जब देश में टीवी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसलिए ललित जी ने कई सीरियल्स के लिए भी ऑडिशन दिए और आखिरकार उन्हें साल 1987 में पुलिस फाइल नाम के सीरियल में सिलेक्ट कर लिया गया, जिसमें उन्होंने एक क्रिमिनल की भूमिका निभाई थी। इस रोल के लिए उन्हें 500 रुपए प्रति एपिसोड के हिसाब से पैसा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कई शोज में काम किया और फिर 1992 में मुंबई आ गए। चलिए अब जानते हैं कि उन्हें शक्तिमान में डॉक्टर जयकाल का रोल कैसे मिला, जिसके पावर कहने मात्र से ही बच्चे सिहर उठते थे। तो मुंबई आने के बाद ललित परिमू ने कई सीरियल्स में काम किया, जिसमें विराट नाम का सीरियल भी शामिल था, जिसमें उनके साथ मुकेश खन्ना काम कर रहे थे। इसी दौरान मुकेश खन्ना भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान को बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में जब डॉक्टर जयकाल के लिए एक्टर को सिलेक्ट करने की बारी आई, तो मुकेश खन्ना को ललित परिमू याद आ गए। उन्होंने तुरंत ही शो के डायरेक्टर दिनकर जानी से ललित जी का नाम सजेस्ट किया कि ये रोल ललित परिमू अच्छे से कर सकता है, और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन हम आपको बता दें कि शो में डॉक्टर जयकाल का रोल लंबा नहीं था, बल्कि कुछ ही एपिसोड का था, क्योंकि शो में मेन विलेन किल्विश थे। लेकिन जिस दिन डॉक्टर जयकाल वाला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, उस दिन इस शो की TRP काफी हाई हो गई। इसके बाद डॉक्टर जयकाल के रोल को बढ़ाया गया और वो शक्तिमान के रास्ते में नई नई मुश्किलें खड़ी करने लगा, और इस तरह टीवी के सबसे बड़े खलनायक का उदय हुआ, जिसने इतिहास रच दिया। ललित जी अब तक लगभग 40 स्टेज नाटक, 300 रेडियो नाटक और 56 टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक एक्टर के रूप में ललित तमाम हिंदी धारावाहिकों और फिल्मों में दिखाई दिए। उनके कुछ सीरियल्स की बात करें जो हिट रहे, तो उनमें मुल्क, मिसाल, तेजस्विनी, गाथा, साया, लव, कूड़ा कागज, कंगन,
इंतजार और सही, विराट और इंतकाम शामिल हैं, लेकिन उन्हें जिस किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है शक्तिमान में डॉक्टर जयकाल का किरदार। इस धारावाहिक के निर्माता मुकेश खन्ना थे और उन्होंने ही शक्तिमान की मुख्य भूमिका निभाई थी। ललित परमो ने साल 1987 में फिल्म निर्माण से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, जिसमें फिल्म एजेंट विनोद जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी और साल 2014 में हैदर जो कि शेक्सपियर के मशहूर नाटक हेमलेट पर आधारित थी मुख्य रूप से शामिल हैं। वर्तमान की बात करें तो साल 2006 में उन्होंने ललित परिमु अकेडमी ऑफ अभिनव योग नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है जो अभिनय कौशल और यौगिक तकनीकों का एक संयोजन है। इसमें युवाओं को अभिनय की बारीकियों के साथ साथ योगा से भी रूबरू कराया जाता है। साल 2014 में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है मैं मनुष्य हूँ। उन्होंने मुंबई में अपना स्वयं का एक थिएटर ग्रुप भी शुरू किया है जिसका नाम नट समाज है। यह लोगों को शिक्षित करने और उनके बीच सामाजिक चेतना लाने के लिए देश भर में सामाजिक रूप से प्रासंगिक नाटकों का प्रदर्शन करता है। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम उनके इस कार्य की सराहना करती है और हम कामना करते हैं कि ललित जी दीर्घायु हों और इसी तरह के सामाजिक कार्य करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली और पुरानी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।